एवरीवन, वेलकम बैक टू योर रीडिंग। मैं हूं जूही, आप सभी लोग का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। आज मैं आई हूं लॉर्ड शिवा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है एंड आगे चल के आपको क्या जानने को मिलता है, क्या गाइडेंस मिलता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, कुछ दिनों पहले किसी ने कमेंट किया था जो आप लोगों को भी सुननी चाहिए कि मैंने कुछ गाइडेंस प्रोवाइड किया था जनरली, ठीक है, यूट्यूब में। तो उन्होंने वो गाइडेंस फॉलो किया है और उन्होंने मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी मैसेज किया कि सच में वो गाइडेंस काम में आई और वो जहां पर ट्रैप हो गए थे तो वहां से उसी गाइडेंस को फॉलो करके बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ यही चीज बताऊंगी कि जब भी मैं आपको कुछ गाइड कर रही हूं तो उसको प्रॉपरली आप कोशिश करना फॉलो करने की, ठीक है, अगर आपके साथ वो रेजोनेट कर रही है तो। क्योंकि कभी कभी जनरल रीडिंग में भी हमें बहुत सारी गाइडेंस मिल जाती है। मेरी खुद की रीडिंग जो जून के लिए था तो मैंने वहां पर एक पाइल चूज किया था, आई थिंक सेकेंड पाइल चूज किया था, तो वहां पर आया था कि आप खुद के घर के लिए कुछ खरीद सकते हो। रियली आई हैड नो आइडिया कि मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ, मैं कुछ खरीदने वाली हूँ। तो फाइनली मैंने कुछ परचेज किया है मेरे घर के लिए, ये सही बात है। तो डेफिनेटली हम सभी के लिए, मैं सिर्फ आपके लिए प्रेडिक्शन कर रही हूँ ऐसा नहीं है, जो जो इस वीडियो तक आएंगे उन सारे लोगों के लिए प्रेडिक्शन होगी, ठीक है। तो आपको वो गाइडेंस फॉलो करनी है, प्रॉपरली उसको सुननी है बहुत ध्यान से। चलो स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग। आपके सामने अभी थ्री ऑप्शंस प्ले होगी, आप एक चूज कर लेना, एक से ज्यादा भी चूज कर सकते हो। आगे चल के देख लेते हैं आपके लिए क्या पता चलती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और इन पाइलों की आपको टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हेलो ऑप्शन वन, जिन्होंने भी टाइगर आई को चूज किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। सबसे पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है पाइल वन के लाइफ में कुछ ना कुछ सैटर्न आप या तो फिर शनि की जो दशा है उससे बचने के लिए टाइगर आई जो ब्रेसलेट होती है उसको यूज कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप बिजनेस वुमेन या फिर बिजनेसमैन हो, कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप टाइगर आई ब्रेसलेट ले सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी कि आप किसी टैरो रीडर से एक बार कंफर्म कर ले, ओके, उसके बाद ही इसको धारण करें। क्योंकि टाइगर आई ब्रेसलेट जब भी मैं किसी को रिकमेंड करती हूँ तो मैं उनको बहुत सारी कुछ देख के फिर रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि सैटर्न की एनर्जी हो जाती है और मुझे ऐसा लगता है कि स्पीड अप होने वाली है आपके लाइफ। अगर धीरे धीरे करके कोई काम नहीं बन रहा था, चल नहीं रहा था, तो आपकी कोई मैनिफेस्टेशन काम आ सकती है। काम में ना एक काम की जो स्पीड है वो बढ़ेगा, ओके, वही चीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप जो भी काम करोगे उसमें सक्सेस देखोगे। थोड़ी सी टाइम टेकिंग हो सकती है बट मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के आप जो भी काम करोगे उसमें आप सक्सेस दिखने वाले हो। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था, आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे कि कुछ हो जाए लेकिन हो ही नहीं रहा था और आप बहुत ज्यादा फेड अप हो चुके थे एंड फाइनली आपने डिसाइड कर लिया कि चलो मैं गिव अप कर लेती हूँ। लेकिन ये गिव अप के टाइम नहीं है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत जल्द आपको इसका रिवॉर्ड मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए ना एक जस्टिस वाली फीलिंग आ रही है। लेट्स सी कि आपके लिए क्या कार्ड्स आती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस पाइल के लिए कर्म का फल मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है। सो लेट्स सी, वन मोर कार्ड प्लीज, थैंक यू। सो आपके लिए कार्ड्स है, फर्स्ट है द लवर्स, सेकेंड है सेवन ऑफ कप्स एंड थर्ड है नाइट ऑफ वंड्स एंड मैं थोड़ी सी बॉटम से चेक करना चाहूंगी, जस्ट सेकंड, एट ऑफ स्वर्ड्स, ओके। कुछ लोगों के लिए ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आप जो काम करना चाहते थे या फिर कुछ चीजें आपके सामने थी, ओके, बट सामने रहते हुए भी आप देख नहीं पा रहे थे आपकी एंजाइटी की वजह से या तो फिर आपकी नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड की वजह से। कभी कभी हो जाती है कि बहुत ना होने की वजह से चीजें तो हमारी माइंड स्टक हो जाती है और हमें लगता है नहीं होगा लेकिन हमारे सामने रहता है, तो वो वाली एनर्जी मुझे लगता है कि आपके साथ हो सकती है। एंड इफ अगर है तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं,
सामने जाओगे तो आपको ऑप्शंस अवेलेबल दिखेगा विद द सेवन ऑफ कप्स, बहुत सारे ऑप्शंस होगी। मैंने जैसे कहा कुछ लोग मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, कुछ मांग रहे हो, ओके, सो वो मैनिफेस्टेशन पूरी होने की चांसेस है, लेकिन आपको वहां पर बी अवेयर कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि इस वक्त पे आप मैग्नेट की तरह काम कर रहे हो। आप जैसे चीजों को अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ, वैसे ही चीजें अपनी आपकी तरफ आएंगे। तो आप कैसे थॉट्स में हमेशा रहते हो, कैसे चीजों को आप सोचते हो, क्या करते हो, ओके, मुझे ऐसा लगता है कि शुद्धि ऐसा सुनाई दे रहा है, तो आपकी एक शुद्धि हो रही है, लिटरली आपके शरीर की शुद्धि, आपके माइंड की शुद्धि। जैसे कि किसी इंसान की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी तो अभी वो रिकवर कर रहे हैं और उनके अंदर एक अलग सी एनर्जी अभी आ जाएगी जहां पर उनका हेल्थ पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, ओके। कुछ लोगों के स्टेट ऑफ माइंड ऐसे थे कि हमेशा वो ना 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 सोचते थे, लेकिन अभी उनमें अवॉकनिंग स्टार्ट होने वाली है और स्पिरिचुअली उनकी ग्रोथ हो रही है जिसकी वजह से वो और कुछ बन रहे हैं। तो यहाँ पर एक शिफ्टमेंट है, ओके, एंड विद दिस द लवर्स तो ये बताती है कि कुछ ऐसी चीज ना पा सकते हो अपनी लाइफ में जो दिख और लोगों को दिखने में लगता है कि इम्पॉसिबल है, और लोगों को लग सकता है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये बंदा नहीं कर पाएगा, ये बंदी नहीं हो पाएगा, ये नहीं, मतलब जो होती है ना कि हमें देख के लगता है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन आप उसको करके दिखाओगे। मुझे ऐसा एनर्जी फील हो रहा है। आप हो सकते हैं कि आपके रिलेशनशिप्स में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी या फिर आप किसी इंसान को पाना चाहते थे बट वो ना के बराबर थी, ठीक है, जैसे कि हो ही नहीं सकता, वो एनर्जी। तो वो जो आप हो नहीं सकता जो है वो सच में हो जाएगा, आगे चल के आप दिखोगे, एक इम्पॉसिबल काम पॉसिबल होता हुआ आपके लिए मैं देख पा रही हूँ, ओके। एंड द नाइट ऑफ वंड्स, स्पीड अप, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था ना कि जिनके लाइफ में भी चीजें बहुत स्लोली हो रहा है, स्लोली आगे बढ़ रहा है, तो उनके लाइफ में वो स्पीड आ रहा है और नाइट ऑफ वंड्स उसी के बारे में बताते हैं। लेकिन मैं फिर आपको गाइड करूंगी, आपको बहुत सोच समझ के डिसाइड करनी है, बहुत सोच समझ के आगे चलनी है, क्योंकि नाइट ऑफ वंड्स कभी कभी क्या हो जाती है, ये हड़बड़ाहट में कभी कभी गलती कर देता है। और यहाँ पर सेवन ऑफ कप्स भी है, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस रहने की वजह से आप कंफ्यूज्ड हो सकते हो, ओके, सो यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल रहा है लेकिन उसी चक्कर में इसमें से कौन से घड़े में आपके लिए बुरा कुछ छुपा हुआ है आपको नहीं पता। तो डेफिनेटली सोच, यहाँ पर आपको एक सोचने के लिए लॉर्ड शिवा की तरफ से गाइड किया जा रहा है कि आपको जो भी मिल रहा है, आप जो भी कर रहे हो उसमें सोच समझ के आगे बढ़ो, ओके, आपके लिए सारी कुछ पॉजिटिव है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको बहुत मैच्योर तरीके से चीजों को एनालाइज करके उसके बाद डिसाइड करनी है, जस्ट दैट, ओके। अभी देख लेते हैं कि आपके लिए स्पिरिचुअली क्या गाइडेंस आई है। सो है ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, एज आई टोल्ड यू कि कुछ ऑब्स्टिकल्स थी, जो मुश्किलें था वो उसका हल आप पा रहे हो। आप कुछ स्ट्रगल्स ऐसी थी जहां पर शायद आपको नहीं दिख रहा था चीजें, लेकिन आप क्लैरिटी पाओगे, आपको इम्पॉसिबल लग रहा था लेकिन वो पॉसिबल है, ओके। एंड आपकी एनर्जीज कैसी रहेगी आने वाले टाइम में, ओके, कॉन्ट्रैक्ट, मैं आपको बता दूं, कॉन्ट्रैक्ट जो ये डेक की जो ये कॉन्ट्रैक्ट कार्ड होती है ये जस्टिस का होती है मेरे लिए, और यहाँ पर भी इसके आंखों में पट्टी बंधा हुआ है। तो जस्टिस का जैसे होता है ना कि जो सही है सही है, ये देख के कुछ नहीं करता, तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है, अगर कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कुछ है तो उसमें आपके हित में वो होगा। एंड बहुत टाइम्स अगर कहीं पर फंसे हुए खुद को पा रहे थे तो वहां से आप निकल सकते हो। तो यहाँ पर है विजडम गेन करना भी है, आप अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे और आप इतने शॉर्ट टाइम में बहुत सारे विजडम गेन कर लोगे। आपके लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रही थी, ये जस्ट फील के प्रॉब्लम्स आ रही है, प्रॉब्लम्स हो रही है, लेकिन इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से आपने बहुत सारे शायद लेसन सीखा और विजडम गेन किया है। आई जस्ट फील के ये पाइल बहुत मैच्योर हो चुका है और इस पाइल ने जो जो देखा है उससे इस पाइल का फायदा हुआ है, ओके। फायदा से मतलब है आपको लग सकता है नुकसान, लेकिन आगे चल के आपको लगेगा कि नहीं, ये होके ना मुझे अच्छा ही हुआ कि ये चीजें हुआ मेरे साथ, ऐसा आपको लगेगा।
तो वो चीज मुझे यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ. ओके, नंबर सिक्स कुछ इम्पोर्टेंट हो सकती है एंड ये बैलेंस का भी है एंड ऑल्सो लवर्स है, लवर्स भी सिक्स का नंबर है, तो हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा सिक्स सिक्स दिखे. तो अगर ये नंबर दिखे तो डेफिनेटली आप सोच लेना कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रही है. जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आप पा रहे हो, सारे कुछ आपको बैलेंसिंग वे में मिलेगा. ठीक है, क्योंकि सैटर्न की एनर्जी है, सैटर्न किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं करता. ओके, अगर आपकी कर्म अच्छी है तो वो उसका फल भी अच्छा देगा. सो मैं ये मानती हूँ. एंड आपके लिए एंजल्स की तरफ से जो आंसर है, इन द नियर फ्यूचर से हो सकती है, इन द नियर फ्यूचर से बहुत क्लोज एक एनर्जी मुझे मिल रही है कि बहुत जल्द आपको मिलने वाली है. तो एंजल्स की तरफ से जो आपके लिए एकदम स्ट्रेट कट मैसेज है वो है, इन द फ्यूचर आपकी कोई काम बन सकती है. जो भी शायद मे बी आप सोच रहे हो, आप फंसे हुए थे, यू नो, जो मैंने डिस्कस किया जिन चीजों को लेकर, तो वहां से ओवरकम कर रहे हो एंड इन द नियर फ्यूचर कोई काम डेफिनेटली बन रहा है और बहुत तेजी से बनेगा. जब होगा ना तो आप उसका स्पीड देखोगे. जब नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, लेकिन जब होगा तो इसका स्पीड ही अलग होगा. ठीक है, सो या पल वन, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू. आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिली है. यही मैसेजेस शिव जी आपको देना चाहते हैं. अगर आपको हेल्प हुई है तो उनको थैंक करके जाना, मुझे बताना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करके जाना. मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में. बाय. हेलो ऑप्शन टू, जिन्होंने भी क्लियर वर्ड्स को चूज किया है, ये रीडिंग है आपके लिए. थोड़ी सी एनर्जी क्लींस करना चाहूंगी पाइल वन की. मुझे आपके लिए जस्ट ऐसा फील हो रहा है कि कुछ लोगों के लाइफ में आप ऐसा बनने वाले हो कि जो भी होगा ना देखा जाएगा. आपको ऐसा लग सकता है कि आगे चल के जो भी होगा अच्छे के लिए होगा. एक पॉजिटिव थिंकिंग, और अगर आप उन पॉजिटिविटी को सोच नहीं सकते, यू नो, आप उसको सरेंडर कर रहे हो. मुझे ऐसा लगता है फोर ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है, जहां पर आप पूरी तरीके से कुछ चीजों को सरेंडर के मूड में ला रहे हो. ना मैं उसके बारे में ज्यादा सोचूंगी, ना मैं कम सोचूंगी, उसको बस अपने हाल पे छोड़ दूंगी, टाइम में देखा जाएगा. यहां पर आपको वो क्लैरिटी मिल रहा है एग्जैक्टली विद दिस क्लियर कुवर्ड्स. जैसे कि इसको अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये बहुत ही ज्यादा क्लियर है और क्रिस्टल है. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में भी वो क्लैरिटी आ रही है एंड उसी के साथ आप में भी वो क्लैरिटी आ रही है. समझ रहे हो? इफ अगर आपको लगेगा कि सही है तो भाई सही है, गलत है तो गलत है. आप पार्शियल किसी भी चीज में नहीं होंगे और उसी के साथ आपके लाइफ में भी वो क्लैरिटी मिलने वाली. आप जो भी काम करोगे उसमें जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिलेगी ना, आप उस काम के पीछे पड़े रहोगे. ऐसी एनर्जी है. अगर आपको किसी चीज में यू नो थोड़ी सी भी ऐसी खटका लग जाए कि मुझे ये ना कुछ सही नहीं लग रहा है, तो आप उसके पीछे पड़ जाओगे. एक डिटेक्टिव वाली एनर्जी है कि उसके पीछे पड़ जाओगे. जब तक मुझे वो नहीं पूरी तरीके से जानने को मिलेगा तब तक मैं उसको छोड़ूंगी. तो वो वाली एनर्जी है. तो देख लेता है कि आपके टैरो कार्ड्स क्या बताती हैं, शिव जी आपको क्या गाइड करते हैं आपकी इसी एनर्जी की वजह से. सो थैंक यू. बॉटम से एक बार चेक कर लेते हैं. ओके, नाइट ऑफ कॉइंस है एंड आपके कार्ड्स हैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड रिवर्स, क्वीन ऑफ कॉइंस एंड पेज ऑफ कॉइंस. ओके, सो यहाँ पर मुझे बहुत प्रैक्टिकलिटी दिख रहा है. एज आई टोल्ड यू कि आप बहुत सोच समझ के कोई भी काम करना प्रेफर करोगे एंड एक डिटेक्टिव माइंड होगा, बहुत थॉटफुल होंगे. तो वो एनर्जी यहाँ पर डेफिनेटली है. अपने स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान देना, अपने काम के ऊपर ज्यादा ध्यान देना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर कहीं ना कहीं इन सारी ये सारी चीजें आपके ऊपर आएगी. मतलब अगर नहीं भी आती है फिर भी आप ना उसको
पालन करने की कोशिश करोगे कि ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कर्तव्य है तो मुझे करनी है, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आप कोशिश करोगे ज्यादा से ज्यादा उन सारी चीजों को बहुत प्रॉपर वे में करना। तो यहाँ पर ना आपके लिए एक इनोसेंस दिख रहा है, यहाँ पर आपके लिए एक ऑनेस्टी दिख रहा है। आप अगर किसी के प्रति कमिटेड हो तो डेफिनेटली उनके प्रति आप पूरी तरीके से लॉयल हो, वो एनर्जी यहाँ पर मुझे शो हो रहा है। और आप अगर किसी को कुछ ऑफर कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए करोगे। ओके, ऐसा नहीं है कि आज बोल रही हो फिर कल मुड़ जाओ, आप वैसे वाले इंसान नहीं हो। एंड आई थिंक आगे चल के आपकी जो आने वाला टाइम है तो आपको वही बोला जा रहा है कि आप उन्हीं सारी चीजों के ऊपर फोकस करें जो लॉन्ग टर्म है, जो आपको लग रहा है सही है। और आप बहुत थॉटफुल हो, सो डेफिनेटली आपके मॉम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। मॉम आपके लिए, मे बी आप अपनी मॉम के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो, उनको लेकर आप सारे डिसीशंस लेते हो, या फिर आप खुद एक मॉम हो, तो डेफिनेटली आपकी एक, मैं देख पा रही हूँ कि आपकी एक जो कर्तव्य है उसका पूरी तरीके से पालन कर रहे हो। आपसे जितना भी बन रहा है, इफ अगर आप मनी रिलेटेड, करियर रिलेटेड देख रहे हो तो भी आप अपने काम के ऊपर ज्यादा फोकस्ड हो और कोशिश करोगे कि आप जिनसे भी क्लोज हो उनके लिए आप जो भी कमा रहे हो उससे कितना कर सकते हो। ओके, सो ऐसी एनर्जी है। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ कि एग्जैक्टली मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है। एंड विद दिस नाइट ऑफ स्वर्ड्स मुझे ऐसा लगता है कि एक स्लो डाउन एनर्जी है। आप हड़बड़ाहट नहीं करोगे, आप बहुत सोच समझ के फिर काम करोगे। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की वाइब बहुत स्ट्रांग आ रही है, जहां पर आप बहुत प्रैक्टिकल भी हो और चीजों को बहुत स्लोली ले जा रहे हो। ओके, ओके, और क्या दिख रहा है? आई थिंक आप अगर कोई फ्रेंड्स भी बनाओगे तो उनके प्रति भी लॉयल रहोगे। ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स नहीं, बल्कि जितना बनाओगे आप चाहोगे कि उतना लॉयल बने। ओके, आपके लाइफ में ना एक मुझे ना एक स्टार्ट दिख रहा है, जैसे कि आपको कुछ दिखा है और आप उसके लिए आगे बढ़ रहे हो एंड आपको सही दिशा मिल रहा है। वो एक एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए। दो इंसान कुछ इम्पोर्टेंट हो सकती है, दो एनिमल्स या फिर दो भाई बहन, दो कुछ टू चीजें मुझे यहाँ पर दिख रहा है। हो सकती है कि एक से ज्यादा आप काम करो, वो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर वो ड्यूअल वाइब आ रही है। तो देख लेता है कि आपके और कार्ड्स क्या बता रही है स्पिरिचुअली आपके लाइफ में क्या होगी। सो चूजिंग योर न्यू पाथ, एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पर कुछ पॉसिबल है, जहां पर आप खुद को समझा रहे हो ऑल इज पॉसिबल, जो होगा दिखा जाएगा, और कोशिश करते रहना है, हार नहीं मानना है। तो वही है, मुझे जितना दूर हो सके मैं देखूंगी, जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं करूंगी। तो वो यहाँ पर वो एनर्जी है। एंड चूजिंग योर न्यू पाथ, मैंने जैसे आपको कहा ना कि कुछ जैसे कि न्यू देख पा रही हो आपके लिए, कुछ चीजों के ऊपर आपके ध्यान है, आप उसको बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हो। ओके, आपके ध्यान तो है, आप कुछ देखने की कोशिश कर रहे हो, आपको कुछ दिख रहा है, ठीक है, उसमें क्लैरिटी मिल रहा है। कुछ सिचुएशन हो सकती है या फिर वट एवर इट इज, आपको ये देखनी है। आपकी एनर्जीज कैसी रहेगी? सो आपके लिए है एनवी नंबर 20। ओके, सो एनवी से मुझे लगता है कि आप अपने लाइफ में जो भी ग्रोथ कर रहे हो उसी के साथ एनिमीज को भी अट्रैक्ट करोगे। ओके, एंड आप लोग आपके प्रति जेलस होना, आपके अच्छाई को देख के, वो एक होती है ना कि आप अच्छा कर रहे हो तो लोगों को हजम नहीं हो रहा है, वो एनर्जी यहाँ पर है। हो सकते हैं कि लोग आपकी गलत चाहे, कोशिश करे, तो उसके प्रति आपको ध्यान देनी है। तो इसी वजह से शायद आप बहुत थॉटफुल बनोगे कि मुझे सोच समझ के इंसानों के साथ डील करनी है, तो वो एनर्जी यहाँ पर है, डेफिनेटली आपको करनी भी चाहिए। एंड विद दिस एनवी मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी और के साथ खुद का तुलना कर रहे हो तो वो बंद करनी है, अगर कर रहे हो तो, अगर कोई कर रहे हो तो, उनके लिए ये मैसेज है। ओके, एंड एंजल्स फाइनली आपको क्या गाइड कर रहे हैं? सबके लिए है नो।
सी यहाँ पर मुझे इस नो से ना ऐसा लग रहा है कि नो नो बहुत स्ट्रॉन्ग वे में बोल रहे हो। किस चीज को नो बोल रहे हो? जो भी आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे ये नहीं करनी है, ये सही नहीं है। तो गलत के विपरीत जाके जो गलत है उसको गलत बोलना, सही को सही बोलना, और नो बोलना भी सीख जाओगे अगर आप नहीं बोल पाते हो तो। यहां पर वो एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्गली मुझे सुनाई दे रहा है। आप बहुत स्ट्रॉन्गली नो ऐसा बोल रहे हो। सो आप खुद के साथ देख ले कि कैसे आप नो के साथ रिलेट कर पा रहे हो। यह बालचू शिव जी की तरफ से यही मैसेजेस है, यही गाइडेंस है। इसको फॉलो करें और अगर हेल्प हुई है तो उनको थैंक करें, मुझे बताएं, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करके जाए चैनल को। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। हेलो ऑप्शन थ्री, जिन्होंने भी मून स्टोन को चूज किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड, आपके लिए क्या पता चलती है। थोड़ी सी पालतू की एनर्जी क्लींस कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। थैंक यू एंजल्स। लेट मी सी, मुझे यहाँ पर आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि कुछ होने से पहले ही जो एक आहट होती है आपको वो मिल जाना, एक महसूस होना हो जाना, तो वो महसूस है यहाँ पर, वो आहट है यहाँ पर आपके लिए। या डेफिनेटली वो आहट मुझे सुनाई दे रहा है। विद दिस मून स्टोन यहाँ पर कुछ लोगों की इमोशन से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज हैं, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज है, तो वो भी सॉर्ट होगी। एंड इमोशनल अगर कुछ चीजों को लेकर हो रहे हो तो वहां पर भी यहाँ पर सल्यूशन है। लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या बताते हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की जरूरत है, और जब भी फुल मून या आए आपके लिए या फिर न्यू मून आए तो स्पिरिचुअल बाथ ले उसी के साथ, और स्पिरिचुअल बाथ ले। थैंक यू। देख लेते आपके कार्ड्स क्या बताते हैं। आपके मॉम से रिलेटेड कुछ हेल्थ प्रॉब्लम। सॉरी, ये गिर के एकदम यहाँ पर चली गई थी। सबके मॉम से रिलेटेड कुछ हो सकती है, उनके हेल्थ प्रॉब्लम या फिर कुछ। देख लेते हैं मुझे कार्ड्स में से क्या पता चलती है, क्योंकि मुझे ऐसा मैसेजेस तब चैनल हो रही है कि आपके मॉम से रिलेटेड कुछ हो सकते हैं। तो आपके लिए फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ क्वाइंस, फिर है द टावर इन रिवर्स, एंड फिर है द एम्प्रेस। या फिर डेफिनेटली या तो फिर आप मॉम हो या फिर आपके मॉम से रिलेटेड कुछ हो सकते हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके घर घर वालों में से कोई कुछ प्रॉब्लम्स में से बाहर निकलने वाला है, या फिर आप खुद बाहर निकलने वाले हो। यहाँ पर जो भी इश्यूज था स्पेशली आपके स्टेबिलिटी को लेकर, तो वहां से भी आप डील करके बाहर फाइनली आपकी ना वो टाइमिंग खत्म हो रही है, जहां पर आपने बहुत कुछ ऐसा देखा था, ऐसा झेला था, शायद ही कोई आपको वो समझा पाए या फिर आप किसी को समझा पाओ। तो मुझे दिख रहा है कि आप उससे डील करके फाइनली बाहर निकल रहे हो। एंड फाइनली एम्प्रेस आपके लिए अबंडेंस है, आपके लिए नाम है, शोहरत है। जो लोग भी अपने बच्चे को खोना, मुझे वो भी सुनाई दे रहा है। हो सकती है कि मिसकैरेज हुई है, हो सकती है। सम ऑफ यू जिनके साथ जा रहा है वो रख ले, क्योंकि जनरल है। तो जिन्होंने भी खोया है तो डेफिनेटली चांसेस है कि आप फिर से प्रेग्नेंट हो सकते हो। यहाँ पर आप थैंक यू बोल रहे हो स्पिरिट्स को, आप थैंक यू बोल रहे हो एंजल्स को किसी चीज के लिए, मुझे वो दिख रहा है। स्लो था बट स्टेडी है।
शायद बहुत टाइम बाद कुछ हो रहा है, हलचल आपके लाइफ में एंड अच्छा हो रहा है, जिससे आप थैंकफुल हो स्पिरिट्स के। आप कुछ मांग रहे थे और आपकी वो मांग सुनी जा रही है। ओके करियर को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर देख रहे हो तो ट्रस्ट मी, यहाँ पर जो लोग भी करियर को लेकर जानना चाहते हो या फिर आप खुद को अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना, अपने लुक्स के ऊपर काम कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, तो बहुत बहुत आप ग्लो करने वाले हो, लोगों के नजरों में आओगे। बहुत पैसा कमाना मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अपने करियर पे आप मतलब टॉप तक जाओगे, बहुत बहुत यहाँ पर नाम है, फेम है। अगर कुछ स्पिरिचुअल कर रहे हो तो उसमें भी फेम है। ठीक है, यहाँ पर क्रिएटिविटी है, कुछ क्रिएटिव कर सकते हो आप, नया कर सकते हो, खुद का कुछ कर सकते हो, आर्टिस्टिक हो सकते हो आप बहुत ज्यादा, या आर्टिस्टिक कोई फील्ड में हो सकते हो, तो बहुत अच्छा करोगे आगे चल के। मुझे ना फाइनली दिख रहा है कि जो एक पीरियड था आपके लाइफ में जहां पर आप मतलब एक सवालों का भूचाल किसी के माइंड में था, क्या करूं, वो खोज रहा था लेकिन उसको मिल नहीं रहा था, क्योंकि एक प्रोसेस है जो कि आपके लाइफ में लेट से धीरे धीरे चल रहा था, तो फाइनली वो ओवर हो रही है, फाइनली आपके लाइफ में वो खत्म हो रही है एंड एक न्यू स्टार्ट है आपके लिए। ओके, लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या बताती है, स्पिरिचुअली आपको क्या गाइड किया जा रहा है। विश लेटर, एज आई टोल्ड यू यहाँ पर आप खुद का कुछ कर रहे हो, यहाँ पर वो क्रिएटिविटी है। ओके, आप ऐसा कुछ कर सकते हो जिससे आप लोगों की भी मदद करोगे, खुद की भी मदद कर सकते हो, यहाँ पर वो मदद करना है, यहाँ पर वो थैंकफुल, जैसे कि मैं आपको सुन पा रही हूँ कि आप एंजल को थैंक यू बोल रहे हो कुछ चीजों के लिए। बहुत जल्द वो टाइम आने वाला है, मे बी आप जिस जो भी पाओगे, आपकी मुराद पूरी हो सकती है, उसी की वजह से आप इतने ज्यादा ग्रेटफुल हो रहे हो। एंड डेफिनेटली अगर आप कुछ ऐसा काम करते हो, आप CEO ऐसा मुझे सुनाई दिया। ओके, ये पोजीशंस IPS, ओके, जो बहुत एक मुझे ये सारी सुनाई दे रहा है। आप जो भी करोगे ना, जैसे कि आप नॉर्मल टीचर थे तो हेडमिस्ट्रेस के लिए आप ट्राई कर सकते हो, या फिर कॉलेज प्रोफेसर के लिए आप ट्राई कर रहे हो तो आपका हो गया, तो कुछ ऐसा कर रहे हो जहां पर सबके ना एक इम्प्रूवमेंट हो रही है। ओके, सो यहाँ पर वो दिख रहा है कि आप टॉप क्लास में जा रहे हो, उसके लिए ट्राई कर रहे हो तो उसमें आप पास हो जाओगे, वो भी मुझे दिख रहा है। यहाँ पर किसी को कुछ गाइड करना चाहते हो तो ट्रस्ट मी, आप बहुत अच्छे से गाइड कर पाओगे। इसीलिए मैंने कहा अगर आप कोई स्पिरिचुअल पाथ पे हो, लाइक अगर टैरो रीडर बनना चाहते हो, बहुत सारे लोग यहाँ पर क्रिस्टल हीलर्स हैं, यहाँ पर एम्पैथ्स हैं, अगर है तो डेफिनेटली आप करो, आगे बढ़ो, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हो। ठीक है, सो देख लेते आपकी एनर्जीज आगे चल के कैसी रहेगी। सो आपके लिए है द गार्डन एंड द गेट, यहाँ पर मुझे वो डर एक तो दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर टावर था, तो टावर की वजह से ना एक डर मन में बैठा हुआ है कि करूँ कि ना करूँ, जाऊँ कि ना जाऊँ, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो एक डर है, एक फियर है, एक थॉट है तो आगे बढ़ने की। लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ कि आप आगे बढ़ो और बेझिझक होके बढ़ो, और आप नहीं भी बढ़ोगे ना तो आपको से धक्का दिया जाएगा कि चलो आगे बढ़ो, तुम्हें ये करनी है, बहुत हो गया, तो ऐसा कुछ है ना जी यहाँ पर मुझे आपके लिए दिख रहा है। डेफिनेटली आप उस चेंजेस को ना भाप सकती हो कि मेरे लाइफ में वो चेंजेस आ रही है, मैं उसको भाप सकती हूँ, लेकिन आपको वो शायद धीरे धीरे दिख रहा है या फिर बहुत कम आपको वो दिख रहा है, लेकिन आप उसको भाप ले रहे हो कि कुछ तो होने वाला है, कुछ तो चेंज होने वाला है और धमाकेदार होने वाला है, ये आप भाप रहे हो। इसी वजह से मैंने जब भी मूनस्टोन को देखा था, मैंने आपको कह दिया था कि आप पहले से ना वो आहट सुन पा रहे हो, तो यहाँ पर वो चेंजेस की आहट है। ओके, सो देख लेते हैं कि एंजल्स आपको डायरेक्ट क्या आंसर करते हैं। तो इम्प्रूविंग हेल्थ, तो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था किसी की हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है,
तो डेफिनेटली सॉर्ट हो रही है। यहाँ पर सिर्फ हेल्थ ही नहीं है, सिचुएशंस भी है। सिचुएशन को लेकर अगर कुछ है तो उसमें भी सारे कुछ इम्प्रूव हो रहे हैं। तो पैलश्री, बस मैं ये बताना चाहती हूँ, शिव जी आपको क्लियरली ये बता रहे हैं कि आप जो भी सिचुएशन पे हो, आपने जितना भी स्ट्रगल किया है, बस खत्म, वो फेज खत्म होने वाली है। आपके लाइफ में एक न्यू स्टार्ट हो रही है। ओके, आप एक न्यू जर्नी की तरफ बढ़ रहे हो। आई जस्ट फील कि आपके इस महीने की थर्ड वीक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, या फिर आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि टाइमलेस होगी, तो थ्री नंबर कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है। थर्ड वीक, थर्ड मंथ, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए डेफिनेटली होगा। ओके, सो यहाँ पे आए थे, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिली है। अगर मिली है तो शिव जी को थैंक करके जाना, मुझे बताना और सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।